अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, वेलकम है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल ऑसम किस्म की क्रेट ओपनिंग वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से दिल से माजरत, यार मैं काफी दिन लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो यार उसके लिए यार थोड़ा सा बेयर शेयर कर लेना और भाई को भी माफी शाफी दे देना यार। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगा कि भाई ये कौन सा ही मोड तुम्हारे भाई ने जो है यहाँ पर लॉबी में कर दिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई ये बिल्कुल फ्री मोड है और खाली मुझे नहीं, मे बी आप भी सब लोगों को मिला हो, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट इसके लिए एक ही चीज करनी थी कि आपने अपने AKM और M4 से जो है ना ऑलमोस्ट 500 प्लस जो है वो किल्स करने थे, और आपको यहाँ पर ये फ्री लॉबी इमोट जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव और मजेदार है यार, आप लोगों को यहाँ पर मिले। बहरहाल, इसी तरह की औसम किस्म की लीक्स, औसम किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के लिए आप लोगों ने जस्ट अपने भाई के चैनल को फॉलो कर लेना है। अगर फॉलो किया हुआ, सब्सक्राइब किया हुआ, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने बेल आइकन ऑल पर कर लेना और एक मोटिवेशनल कमेंट जरूर कर देना, ताकि तुम्हारा भी ऐसे औसम किस्म के जो कंटेंट्स है ना वो लेकर आता रहे, ताकि आप लोग मजे ही मजे करते रहो यार। इसके अलावा तुम लोगों को पता है तुम्हारे भाई के चैनल के ऊपर यूसी गिव अवे, रॉयल पास गिव अवे और हर किस्म का गिव अवे तुम्हारा भाई यहाँ पे करता रहता है ना, तो यार मेक श्योर कर लेना कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर लाजमी कर लेना। इसके अलावा यार यहाँ पर एक और चीज़ मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि बाबा जी क्लैन अपने डिसाइड कर लिया है कि भाई क्लैन तो बनेगा ही बनेगा, तो इससे पहले यार नाम शाम तुम्हारे भाई ने सोचा हुआ है कि देखो गेमिंग हम इसके यानी कि एंड वाला वर्ड जो है वो गेमिंग लगाएंगे, उससे पहले जो भी भाई अपना नेम रखना चाहे और वो रख सकता है। और इसके अलावा 200 सीन ऐसा ही होगा रिक्वायरमेंट के भाई तमीज़दार बंदे चाहिए होंगे जो कि रिस्पेक्ट करें और हमसे भी अपनी रिस्पेक्ट करवाएं, तो बस यही सीन होने वाला है आज तुम्हारा भाई। दो दो चीज़ों की क्रेट ओपनिंग करने वाला, थंबनेल और टाइटल तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि बाबा जी यहाँ पर किस किन दो चीज़ों की जो है ना वो क्रेट ओपनिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले ये जो भी तुम्हारा भाई लॉबी में इमोट शिमोट कर रहा था ना, मैं उसके बारे में तुम लोगों को बता दूं, आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारे भाई का जो 83 लेवल है भाई, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल है अभी भी, और इससे ऊपर जाना और ज्यादा डिफिकल्ट है। यानी कि भाई इस लेवल तक भी पहुंचने के लिए ना आपको अपने दोनों गुर्दे फेफड़े सारा कुछ बेचना पड़ेगा। बहरहाल, अब तो मैंने क्रेट ओपनिंग थोड़ी सी कम कर दी है, लेकिन पहले तुम्हारा भाई क्या ही भर भर के क्रेट ओपनिंग करता था यार, लिटरली। अगर तुम लोग अपने भाई के चैनल के साथ स्टार्ट से जुड़े हो ना, आप लोगों को पता होगा। तो भाई देखो, अब यहाँ पर ये हमारा लेवल है। अब आपने यहाँ पे करना सिर्फ इतना है कि आपने आना ट्रेयर के ऊपर, और यहाँ पर आपको ना दो चीज़ें शो हो रही होंगी, एक M416 और एक AKM। अभी आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि यार मेरे AKM को जो किल है ना वो तो 800 कंप्लीट है, जिससे मुझे ये जो है ना आप कह लो इमोट फ्री में मिल चुका है। लेकिन अभी भी मेरे M4 के किल्स रहते हैं जो कि ऑलमोस्ट 778 हो गए हैं, तो आप कह लो कि यार यानी कि टोटल पॉइंट्स कह लो तो 800 पॉइंट्स हमने टोटल करने हैं, जिसके बाद हमारा ये दो चीज़ें भी अनलॉक हो जाएंगी। एक उसके अंदर ये है जो कि आप कह लो स्टिकर है किस्म का, और एक ये आप लॉबी मोड कह लो जो कि अभी तुम्हारा भाई कर भी रहा था, औसम किस्म का एक्सक्लूसिव मोड है और आई थिंक ये सबके लिए होने वाला, तो यार लाजमी इस चीज़ को कलेक्ट कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया तो। इसके अलावा ना इसी इन्हीं चीज़ों के रिवॉर्ड के अंदर आपको एक मिनी मटेरियल मिलने वाला है, एक ये भी इमोट ही है लॉबी एक्सक्लूसिव, ये भी लॉबी एक्सक्लूसिव इमोट है। उसके बाद ये काउंटडाउन हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ये पता चलेगा कि भाई आपने M416 से टोटल कितने बंदे मारे हुए हैं भाई, लिटरली औसम है। आपके भाई, आपका भाई जो है ना आगे नेक्स्ट गेम प्ले भी इस बारे में लेकर आने वाला है, वहाँ पर आपको काउंटडाउन यानी कि नज़र भी आएगा बढ़ता हुआ कि जैसे तुम्हारा भाई AKM या फिर M4 से कोई भी बंदा किल करेगा ना बाबा जी, उसी टाइम एक काउंटडाउन भी बढ़ेगा और चस आ जाएगी यार, लिटरली मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। बहरहाल, इस सीज़न तुम्हारा भाई ना तो कोई रैंक पुश वगैरह कर रहा है और ना ही कोई केडी शेडी कर रहा है। हाँ, ड्यू के अंदर हम थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, ताकि नेक्स्ट सीज़न जो है ना इंशाल्लाह ताला हमारा जहन है कि ड्यू में कॉन्कर कर के लिए जाएं। सो लेट्स सी हमारा ये जो है ना मिशन ये कम्प्लीट होता है या फिर नहीं। और हमारा अभी भी जो पार्टनर है ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पर क्या कहते हैं कर रहा है गेम प्लेज वगैरह निकाल रहा है, और वो FPB में कॉन्कर की ट्राई कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हम होप करते हैं कि टॉक्सिक का जो है ना वो जल्दी से जल्दी कॉन्कर कम्प्लीट हो जाए। FPP के अंदर टॉक्सिक कॉन्कर जा रहा है भाई, बाबा जी लगा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह टॉक्सिक जो है ना वो ऑलमोस्ट 500 की रैंकिंग में भी बैठा हुआ है। तो आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि टॉक्सिक का जल्दी से जल्दी कॉन्करर हो जाए। उसके अलावा यार पॉपुलैरिटी बैटर शैटर चल रही है, इस दफा तो मैं खेल नहीं रहा, और भाई मेरा जो ओपोनेंट है वो आप लोग चेकआउट कर ही सकते हो भाई, 23,000 पॉपुलैरिटी करके बैठा हुआ है। बीट करना कोई मुश्किल नहीं होगा, यहाँ पर जस्ट एक ही यू नो 1000 पॉपुलैरिटी वाला प्लेन और बंदा खत्म। तो लेकिन भारत तुम्हारा भाई खेल नहीं रहा, फिर भी अगर कोई भाई फ्री में पॉपुलैरिटी शॉपुलैरिटी सेंड करना चाहे तो यार काइंडली कर देना, आप भाई की आईडी जो है ना वो आप लोगों के सामने ही है। तो यार काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, ऑलमोस्ट हमारी 4 मिनट की वीडियो हो गई। आप लोग सोच रहे हो कि भाई कब क्रेट ओपनिंग शुरू होगी, तो यार माजरत, थोड़ी बहुत बातचीत करना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले यार मैं एक चीज़ जो है ना कंप्लीट करना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर ये जो क्रेट ओपनिंग है ना मेरी, मेरे पास ऊपर 40 जो है ना वो छोटे वाले जेम स्टोन हुए हैं, और जो कि आप कह लो जो कि जैसे ही 50 होंगे ना फ्रेंड्स हमारा एक जेम स्टोन कम्प्लीट हो जाएगा, तो जस्ट हमें 10 चाहिए और अल्लाह करे वो हमारी एक ही क्रेट के अंदर निकल आए। सो लेट्स सी, बिस्मिल्लाह की बरकत, या अल्लाह हमें जस्ट एक ही चाहिए। ओ यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हमें जो है ना वो जल्दी से जल्दी मिलने वाला है, बाकी फिर भी यार ट्राई करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारा ये जेम स्टोन। ओ भाई क्या कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हम 10 वाला ट्राई करते हैं, लेट्स सी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है,
ओके, यहाँ पर आई थिंक सो कंप्लीट नहीं हुआ होगा अभी भी। 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, तो जस्ट हमारे 4 चाहिए, और इसके साथ अगर हम करेंगे तो 10। नहीं यार, 10 तो भाई बहुत ज़्यादा है। ओके, 3 पेंट यार, ये हमारा यूसी बिला वजह के खा रहा है। स्किप करके ट्राई करते हैं, लेट्स सी। एक रिंग, ओके, एक कार। भाई इससे अच्छा तो मैं वही ना ट्राई कर लूँ। वैसे ये 30 30 यूसी के भी विदाउट वाउचर ही हैं यार, ये भी यूज़ हो जाएंगे इसी बहाने। अरे भाई क्या करना चाह रहे हो? ओके लेट्स सी। तो यहाँ पर आई थिंक भाई ये क्या हो? ओ भाई नेट गया मेरा, व्हाट द डैश इज दिस। ओके नेट तो आ गया बाबा जी यहाँ पर। और अभी भी मुझे लग रहा है एक रह गया है। ओके एक रह गया जस्ट, अब तो आई थिंक सो हमारा निकल ही आएगा यार लास्ट। ओके तो यहाँ पर हमारा यार ये तो यूसी काफ़ी ज़्यादा यूसी खा गया भाई, यही हमारा एक जेम स्टोन। तो यहाँ से अब हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको, लेट्स सी। और यहाँ पे हम अपनी बैरल जो है ना उसको रिडीम आउट कर लेंगे। बल्कि मैं सोच रहा हूँ यार, बैरल तो मेरे पास पहले ही एक है, तो हम यहाँ से मटेरियल जो है ना उसको रिडीम करते हैं। तो यहाँ से हमने एक जेम स्टोन फ्रेंड्स कलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो है ना वो 3 मटेरियल रिडीम कर सकते हैं या फिर बैरल। तो बैरल का यार मुझे ओके, यहाँ से हमारा 150 स्पिन भी कम्प्लीट हो गई हैं। सो लेट्स कलेक्ट मटेरियल। चलो मटेरियल यार बाद में कलेक्ट करेंगे, पहले मैं एक और चीज़ कलेक्ट करना भूल गया था। तो परचेज रिवॉर्ड के अंदर जो है ना हमें यूसी फ्री में मिल रहे थे, तो वो यूसी कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी जो यूसी है ना वो अगेन ऑलमोस्ट 8 8000 के करीब। हाँ 8000 के करीब तो हमारी यूसी हो गई है। उसके बाद हम इस 8000 यूसी से जो है ना वो क्रेट ओपनिंग करने वाले हैं अपने एक्स सूट की। ओके तो यहाँ पर आज ही की वीडियो के अंदर हम अपनी एक गन को भी जो है ना वो मैक्स आउट करने की ट्राई करेंगे, लेट्स सी। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग फ्रेंड, चलते हैं सीधा हम अपनी क्रेट ओपनिंग की तरफ, जो कि एक्स सूट की होने वाली है। और यार मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ट्राई करूँगा। ट्राई का क्या यार, बस दुआई कर सकते हैं कि ना यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके हमारा कोई एक आधा एक्स सूट निकल आए और कोई एक आधी चीज़ भी अच्छी सी निकल आए। सो यार आप लोग भी दुआ करो कि भाई तुम्हारे भाई का जो है ना कोई एक आधा जो नेक्स्ट एक्स सूट आएगा ना, ये जो क्रेट ओपनिंग है ये मैं नेक्स्ट मम्मी सूट के लिए कर रहा हूँ लिटरली। मैं अगर तुम लोगों को सही बताऊँ तो यहाँ पर तो कोई वाउचर भी यूज़ नहीं होने वाला। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग 600 यूसी की क्रेट ओपनिंग करते हैं, लेट्स सी। ओके, तो यार एक एक्सूट अगर निकल आया तो बहुत ही ज़्यादा चेस वाला काम हो जाएगा। ओके, नहीं भाई कुछ भी नहीं निकला यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मोली शोली निकलती है देन भी वो 40 कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो यार लास्ट टाइम की जो क्रेट ओपनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई थी, अब इस दफ़ा की देखनी है कि भाई कैसी जाने वाली है। ओके, एक हमारा आई थिंक ओके वो कन्वर्ट 4 में कन्वर्ट हुआ है यार, ये तो नहीं करो ना भाई कसम से। मुझे लगा 40 में कन्वर्ट होगा, वो 400 जस्ट यानी कि सिंगल 4 में कन्वर्ट हो रहा है भाई। कितनी गलत बात है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा गलत बात है यार ये। ओके मोली 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 मोली, व्हाट द डैश इज दिस मैन भाई, ये सिंगल सिंगल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं यार लिटरली। यहाँ से मुझे लग रहा है कोई एक आधी जो है ना वो क्या करें यार यहाँ पे। तो यार यहाँ पर वैसे तो आप कह लो कि ये कंपेनियन की स्पिन आई हुई है, तो यहाँ पर 10 UC की स्पिन करके ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद अपना वो चेंज करते हैं मैप शैप। तो मे बी यार वो कोई किसी काम का जो है वो सीन बन जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा सीन चल रहा है। ओके हम मेरा मार सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं सीधा अपने एक सूट की क्रेट ओपनिंग के ऊपर। तो उम्मीद तो है बाबा जी के यहाँ पर अब हमें जो है ना कुछ तो मिलेगा, लेट्स सी। ओके यहाँ पर हमारी 200 स्पिन आई थिंक कम्प्लीट हो गई हैं। ओके तो यहाँ पर ओके, इसके ऊपर करके 600 यूसी की स्पिन करके देखते हैं, लेट्स सी। यार आप जल्दी से दुआ कर दो बाबा जी कि तुम्हारे भाई के कम से कम 1 से 2 एक्सूट निकला है यहाँ पर, 1000 कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट होना है लिटरली उसने। ओ भाई साहब गंदा वाला सीन भाई, 1 10 UC सॉरी 60, इसमें तो 10 हो ही नहीं रहा। ओके अब हम करते हैं स्किप करके, वो भाई लिटरली काट रहे हैं ये, नहीं करो यार। ये तो मुझे मुझे तो था कि यार ये कुछ अच्छे खासे जो कॉइन शॉइन्स दे देंगे भाई, मुझे सीन यही था कि भाई यहाँ पर मेरे कॉइन्स निकलेंगे और मैं नेक्स्ट एक्स सूट के लिए जो है ना अच्छे खासे वो गोल्ड शोल्ड इकट्ठे करके बैठा हुआ हूँगा और चसा आ जाएगी कसम से भाई। ये तो बहुत गंदा वाला काट रहे हैं मेरा। और पहली जब मैंने क्रेट ओपनिंग की थी लिटरली इतनी एक औसम गई थी ना कि मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। बहरहाल अब हमने विक्टर चाचा को बुलाया है। ओके तो विक्टर चाचा ने आते साथ हमारा एक बैग निकाल दिया है।
और विक्टर चाचा ने आते साथ ही हमें 40 कॉइन्स भी दिलवा दिए। तो भाई मुझे पहले पता होता तो मैं विक्टर चाचा को पहले ही बुला लेता। लिटरली यार दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। 3000 यूसी जो है ना वो पानी में चला गया तुम्हारे भाई का। ओके अगेन एक अपग्रेडेबल एक मिथिक 50 के अंदर बस 50 कॉइन्स। मुझे लगा भाई पता नहीं कितने कॉइन्स में कन्वर्ट होगा। बहरहाल चलो फिर भी कोई बात नहीं। विक्टर चाचा की तो ग्रेट है भाई। आइंदा की ग्रेट ओपनिंग तुम्हारे भाई ने विक्टर चाचा के साथ ही करनी है भाई। पक्का हो गया यार, लिटरली पक्का वाला सीन हो गया। ओके ओ भाई साहब ओके इतना कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ। मुझे लगा कि पता नहीं कितने ज्यादा कॉइन्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी भाई 36 कॉइन्स हैं, काफी हैं भाई विक्टर चाचा के आने से। कुछ तो अच्छा हो रहा है यार, लिटरली कोई तो सीन अच्छा हुआ ना विक्टर चाचा के आने से। ओके तो यहाँ पर अपग्रेडेबल मोली शोली अपग्रेडेबल दो दफा 80 कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये वाला सीन सबसे औसम सबसे ज्यादा बेस्ट ये वाला 600 यूसी का क्रिएट गया है विक्टर चाचा। यार यू आर द ग्रेट। ओके ये क्या हुआ है? ओके यार ये भी नाइस सीन था हमारा। आई थिंक जो रेड डॉट निकला और वो कन्वर्ट हो गया 40 में भाई। जस्ट 2000 यूसी बचा है और मेरा ख्याल है कि भाई हमारा जो है ना एक्सूट यहाँ पर लेवल 3 तो होना ही चाहिए, कन्फर्म सी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा एक दफ़ा एक्सूट निकल आया ना, लिटरली एक सिंगल दफ़ा भी एक्सूट निकल आया भाई, डायरेक्ट 1000 कॉइन्स निकलेंगे। ओके हमारा इमो भाई साहब वट 160 यूसी 160 कॉइन्स ओनली एक्सूट के। लास्ट टाइम तो जब मेरा निकला था मेरा 1000 कॉइन में कन्वर्ट हुआ था। ये क्या सीन है भाई भाई ये क्या सीन है यार। तो यार देखो मैंने ना अपनी अपनी गेम अभी भी रिस्टार्ट किया और लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं कि यार यहाँ पे तुम्हारे भाई के साथ ना क्या हुआ। क्योंकि लास्ट टाइम मेरी क्रेट ओपनिंग के अंदर जब निकला था ना एक्सूट वो कन्वर्ट हुआ था भाई 1000 कॉइन के अंदर और इस दफा जस्ट 160 कॉइन्स। यार ये मजाक है यार लिटरली पबजी का हमारे साथ यार। क्या भाई कसम से क्या ही बोलूं यार अब मैं इनको। यहाँ पर जस्ट 3 दफ़ा मैं अब यहाँ पर क्रेट खोल सकता हूँ, बल्कि 3 दफ़ा भी नहीं 2 ही दफ़ा खोलूंगा क्योंकि उसके बाद कॉइन्स ही नहीं बोल यूसी ही नहीं बचेगा भाई। लेकिन बहुत गंदा वाला सीन किया इन्होंने यार लिटरली। ओके ग्लाइडर पता नहीं मेरे पास पहले था या नहीं, ग्लाइडर भी था पहले 40 के अंदर कन्वर्ट हो गए हमारे अपग्रेडेबल। चलो नाइस हो गया हमारा। कुछ तो यार सीन अच्छा हुआ ना विक्टर के आने के बाद, लिटरली कोई तो सीन कुछ तो हमारे बेहतर मिला। अगर हम पहले 3000 यूसी के अंदर विक्टर चाचा को ले आते तो मे भी हमारा एक आधी दफ़ा कुछ और अच्छा निकल आता। ओके एक मिथिक जो कि हमारा 50 कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो बाबा जी यहाँ पर अगर ओवरऑल कुल मिलाकर देखा जाए ना तो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी 8000 यूसी की क्रेट ओपनिंग नहीं गई। बहरहाल फिर भी यहाँ पर देखो अब हमारे पास ना सब कुछ है ऑलमोस्ट। अगर हम रिडीम सेक्शन के अंदर जाएं मेरे पास एक इमोट नहीं था, बहरहाल अब इमोट भी आ गया है। अबे तुम तो जाओ भाई लिटरली मेरे पास आई थिंक सो लेवल 4 का तो भाई एक्सूट तुम्हारा भाई अब कभी भी कर सकता है ना। ये रहा हमारा रिवॉर्ड। और यार ये अभी तक तो वो चीज़ ही नहीं आ रही ना जो मुझे यानी कि मैंने जो देखना चाह रहा हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स यहीं से पता चलने वाला बाबा जी ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भी है, ये भी आ गया हमारे पास, ये भी यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ना वो सारी की। ओके जस्ट एक हेड गियर ये वाला रह गया और एक ये मिथिक रह गया जो कि हमें अभी तक नहीं मिला। तो भाई इसके ऊपर तो मैं 500 बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने वाला। इसके अलावा 8x भी आ गया, 6x भी आ गया, 4x चाहिए नहीं भाई तुम्हारा भाई यूज़ ही नहीं करता। ओके बाकी सारा कुछ है और यहाँ पर हमारे ये गोल्ड और ये हमारे सिल्वर दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। अब ऑलमोस्ट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2200 कितने ज़्यादा मैक्सिमम मिल सकते हैं ये वाले कॉइन्स, लेट्स सी। अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से मुझे 200 समथिंग मिलेंगे बस। और मेरे पास कुछ हैं भी तो क्या करना चाहिए यार मुझे यहाँ पर, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके ऊपर मुझे और यूसी लगाना चाहिए। क्योंकि अब अगर मैं यूसी लगाऊंगा तो जब नेक्स्ट एक्सूट आएगा ना तभी उसके ऊपर यूसी लगाएंगे। तो इससे हम जो है ना भाई गोल्ड यहाँ पर रिडीम करने वाले हैं, सीधी सी जो बात है। गोल्ड तो तुम्हारा भाई रिडीम कर लेगा, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें वर्कशॉप के अंदर चलते हैं तुम्हारे भाई के पास मिनी मटेरियल कितने हो गए हैं वो चेकआउट करते हैं। तो भाई मिनी मटेरियल हमारे पास एक कम है और अभी हम इसको रिडीम आउट नहीं कर सकते। 10 वैसे हमारे पास मटेरियल है, तो लेट्स सी कि हम अपनी कौन सी गन जो है ना उसको लेवल अप करें। तो तुम्हारे भाई के पास एक AMR है जिसको अभी तक हमने बिल्कुल भी लेवल अप नहीं किया और इसको अब तुम्हारा भाई लेवल अप करने वाला है। इसके साथ हमें फ्री के जो है ना मोली शोली वाली ये वाली चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, लेट्स सी। ओके दो हो गए। अच्छा मेरे पास एक M4 की स्किन भी है,
इसके अलावा मैंने आपसे बात करा था कि यार मेरे भाई M4 की ये पानी वाली स्किन है जिसको तुम्हारे भाई ने जो है ना हीट इफेक्ट करना था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको बाद में करेंगे, अभी जिस पे हम लगे हुए हैं ना इसी को यार जितना आप हो सके एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट हो इसका चाहिए ना। क्यों भाई, तुम लोगों को पता है भाई ये हमारा तुम्हारा भी थोड़ा थोड़ा चला लेता है यार गेम शेम के अंदर। तो चलो भाई ये वाली अपनी जो है ना वो गन हो गई Level 4, ऑसम वाला काम हो गया। अब चेकआउट करते हैं कि हमारे पॉइंट्स कितने हो गए और 84 पॉइंट्स होने में हमें कितने चाहिए। तो भाई अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट चाहिए, 23,004 पॉइंट हो गए हैं और 23,700 यानी कि ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स अभी हमें और चाहिए। भाई खतरनाक सीन है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को अपने भाई की आज की वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोक जाना, चैनल अच्छा लगे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और एक मोटिवेशनल कमेंट तो यार आप लोगों ने करना ही करना है। बाकी बाबा जी विक्टर चाचा ने आते साथ जो धूम मचाई है ना, लिटरली पहले 3,000 यूसी पूरे के पूरे पानी में गए, लेकिन विक्टर के आने के फौरन बाद तुम्हारे भाई ने क्या ही कचा कच जो है ना वो यार क्रेट ओपनिंग किया और लिटरली बहुत ही औसम किस्म की जो है ना क्रेट ओपनिंग गई है। तो यहाँ तो उम्मीद है आप लोगों को अपने भाई की आज की वीडियो पे बहुत ज़्यादा पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो पे एक लाइक एक ओपी सा औसम सा कमेंट साथ साथ एक कह लो कि यार सब शेयर लाइक सब्सक्राइब सारा कुछ करके जाना। मिलते हैं लेकिन इंशाल्लाह तब तक अपने भाई को तो ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को लाजमी दुआ में याद रखिएगा, जाते जाते बता के जरूर जाइए कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस कंटेंट के ऊपर आनी चाहिए। तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।